आज हम बात करेंगे आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश में क्लास फोर की पोस्ट पर होने वाली भर्तियों की। आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टोटल 29 पोस्ट फिलअप होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेल वैकेंसीज की, तो यहाँ पर 15 पद भरे जाने वाले हैं। यहाँ पर जनरल के लिए 8 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 2 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल के यहाँ पर 14 पोस्ट फिलअप होने वाली है। यहाँ पर जनरल के लिए 8 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 2 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अगर आप एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपी एसएससी, जेओआईटी की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। इन पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको यहाँ पर अपना अप्लाई ऑफलाइन करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने पूरा फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है और फॉर्म फिल करके आपने सबमिट कर देना है। एड्रेस रहेगा टू द डायरेक्टर ऑफ आयुष हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक नंबर 26, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुमटी, शिमला 171009। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा होना जरूरी है या आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए पंचकर्मा का। और आपके पास अगर ये डिप्लोमा है और आप 10वीं पास हो और आप बोनाफाइड हिमाचली हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अपना अप्लाई ऑफलाइन जल्दी से कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 29 सितंबर 2022। पोस्ट रहेगी पंचकर्मा मशहूर, डेली बेसिस पर ये पोस्ट रहने वाली है। आपको 350 रुपये पर डे दिया जाने वाला है और आप इसके लिए अपना अप्लाई ऑफलाइन ही करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।